थारा सारा का स्वागत है। भाइयों, मैं देसी परदेसी पत्रकार आपके साथ में एक नई पंचायत के साथ में जुड़ गए हैं और पंचायत ने क्या क्या करवाया है वो भी आपके सामने लेके आएंगे। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में और स्वागत करें हैं हम इस पंचायत का भी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पाने के लिए। धन्यवाद सर जी। साथियों, जैसा कि आपने बेरहा है, दिन प्रतिदिन हम किसी न किसी पंचायत के साथ में आपकी बातचीत करवा रहे हैं और पंचायत ने क्या क्या कार्य करवाए हैं वो भी आपने हम दिखवा रहे भी हैं। तो आज जिस पंचायत के साथ में हम पहुँचे हैं, उस पंचायत का नाम से हसनपुर। हसनपुर जिला महेंद्रगढ़ का एक गांव है और इस हसनपुर का मैं जिस सरपंच से मैं आपसे मिलाना चाह रहा हूँ, पिछले दो बार लगातार योजना में आ चुके हैं इसमें और अच्छा काम करवाया है जिसकी वजह से तो आए हैं। ये तो आपने भी बेरा है और साथियों, एक चीज़ और है कि आपका जो प्यार है ना वो दिन प्रतिदिन इस तरह बढ़ता रहा है। आप जो हमने लाइक करो हो या फिर हमारे चैनल नई न्यूज़ ने जो लाइक करो ना वो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए है, दिल तथार्थता धन्यवाद। और साथियों, जो नए आए हो ना, एक काम कर लो प्लीज़, थारते देखो बार बार भी कहने की जरूरत ना पड़े मेरे हिसाब से, ये नीचे जो लाल बटन है ना ये आने दबा दो और साथ में घंटी वालों इसने भी दबा दो ताकि कोई भी चैनल पे न्यूज़ आवा है, कोई अपडेट हुआ है, थार तक पहुँच जाएगी, थाम उस तक देख सको, नई जानकारी ले सको। तो आज बात करेंगे सरपंच से। सरपंच साहब, सबसे पहले आप ये बताओगे कि अपना जो हसनपुर है इसका इतिहास क्या रहा है? ये सर 1962 के लगभग हमारी ग्राम पंचायत अलग बनी थी जी। पहले हमारा ग्राम पंचायत बोचुड़िया में मर्ज था ये। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो उसके बावजूद उसके बाद फिर हमारा ये हसनपुर अलग बसा जी, उसके बाद यह है। अच्छा, मतलब किसी का नाम तो बस रहा है या फिर कोई नहीं, कोई हसन कोई हसन वो बाद हसन वाद था कौन था जी, मुसलमान के नम से बताते हैं। अच्छा, सुनने में आया है। हाँ, हाँ। उसके नाम से ये हुआ है, गांव बसा पड़े हैं। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि लगभग गाँव में साथ ही हमने देखा लगभग गांव जो बस रहे हैं ना वो कोई ना कोई व्यक्ति ना के ना वो गाँव बसा है और उसके नाम तो वो बसे हैं। तो उसी तरह से हसनपुर का भी नाम किसी हसन व्यक्ति के नाम थे, जो खान था, जो मुसलमान भाई था, उसके नाम थे भरया ये जो भरया। तो सरपंच साहब, 2010 थे आप योजना में हो, आप काम कर रहे हो इस काम में, तो कुछ ना कुछ तो लग गया, तो आप तो अगली योजना में भी बनाया गया है, तो के कुछ कार्य करवाया है आप, कहने के बाद मगाम की तस्वीर कैसी बनी है? देखिए जी, 2010 में हमने काम शुरू किया था, गाँव ने हमें नौकरिया सरपंच बनने का, तब से लेकर हमने सभी को साथ लेकर कोई पक्षपात न करके सभी का काम कर रहे हैं। लगभग हमने 90-95% गली रास्ते हैं सब ने पक्के करवा दिए जी। पानी की निकासी नाड़ा नाड़ी है वो भी बढ़िया ढंग से है, जो कि एक जोड़ है हमारा गंदा पानी का, उसमें सारा पानी वहाँ चला जाता है। बारिश के दिनों में भी हमारे यहाँ कोई जैसे जितनी बारिश होगी वही जब तक होगी तब तक ही पानी चलेगा, उस बाद में रास्ते में कोई एक बाल्टी पानी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने बताया सी सरपंच जी कि आपने 95% या 90% गांव की रस्ती गड़े पक्के होगी, अब वो 5 या 10% रह रहे हैं, तो क्यों रह रहे हैं? वो भी दो योजना कंटिन्यू आ पा ली, फिर क्यों रह गए वो? बस थोड़ा सा अभी ग्रांट जैसे आती वैसे वैसे लगाते गई, अब थोड़ी सी ग्रांट की और जरूरत है। अच्छा, हमें तो वो आएंगे और डिमांड कर रखी है, एस्टीमेट वगैरह बना कर दे रखे हैं, मतलब ग्रांट के हिसाब से आपने बनाए हैं। हाँ जी हाँ जी, कुछ नरेगा से भी बनाते हैं, कुछ HRDF से भी, कुछ पहले 2010 में भी आया होगा, पंचायत समिति से भी आया, विधायक भी मिले होंगे। तो सरपंच आप हैं या आपके मिसिज जो है? 2010 से 15 तो हमारी मिसिज थी और 15 से अब तक मैं हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो मिलजुल के बांट के काम कर रहे हो गांव में, तो सही है। तो अगली योजना का क्या विचार चल रहे हैं? देखो फिर मैडम नल्याण का विचार है नहीं, वो तो देखो सीट के ऊपर है। अब सरकार 50% आरक्षण का कर रही है महिलाओं के लिए, तो अगर वो 50% महिला का आरक्षित करते हैं तो मैडम लड़ेगी, नहीं तो हम लड़ेंगे। वो भी गांव से करेगा तो मेरे साथ तो लड़ोगे? बिल्कुल जी, गांव के ऊपर तो यही, गांव के ऊपर तो है, गांव चाहेगा तो लड़ेंगे, अगर गांव कहेगा नहीं भाई आप बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, कोई बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि आपने बताया कि भाई जी गली आपने पूरी पक्की करवा दी, रोड पक्के करवा दिए,
साथ में नाली भी बनवाई है आपने, वो भी बता दिया। तो तीन चार ऐसे रस्ते हैं जिसके में पानी भरा पड़ा है, मतलब नालियां में पानी भरा पड़ा है, तो वो क्या कारण रहेगा? नहीं, नालियां में पानी नहीं मिलेगा जी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके जो अपने पीछे बस्ती है ना, इनमें मैंने कल दिखे थे, तो उसका या तो सफाई कर्मचारी सफाई ना कर पा रहे होगा। सफाई कर्मचारी थोड़ा सा होगा, लेकिन नाली तो पानी की निकासी तो हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, एक बाल्टी पानी आपको रस्ते में कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, और एक पार्क भी बन रहा है आपके? पार्क भी बन रहा है। तो आपकी योजना बनाया था, आपने बनाया है कि मैडम ने? नहीं, मैडम की योजना बना था जी पार्क। अच्छा, आपने ना बनवाया पार्क? हम तो केयर कर रहे हैं उसकी, और केयर करके आज काफी कम 20-20 फुट पेड़ हो गए हैं, और काफी सुंदर लगता। आप देख के भी आए होंगे, तो नहीं आए तो आप उसको देख कर इस पे साथियों आप। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने इतने इंटरव्यू करे हैं, आपने भी देखे हैं, और पहला एक इंटरव्यू ऐसा है जिसमें एक्स सरपंच और वर्तमान सरपंच दोनों हमारे बीच में बैठे हैं। तो एक्स सरपंच से भी बात कर ले हैं। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। जैसे कि आपकी योजना में के रह गया था जो सर ने करवाया है? धर्मशाला रह रही थी। अच्छा, वो सर ने करवा दी? हाँ। अच्छा अच्छा, और पाइपलाइन गिरवाइज पानी की जी? अच्छा, और के करवा दी? गली भी करवाई है। हाँ। तो आप वाली योजना में ज्यादा काम हुआ है सर वाली में? लगभग दोनों में, मतलब दोनों ने बराबर कर दिया। तो मेरे हिसाब से आपने कुछ करा, कुछ सरपंच ने करा, दो योजना पूरा कर दिया, और अब तीसरी योजना होगी तो उसमें आप बनोगे, तो दोनों मिलके ना फिर और काम कर दोगे। मतलब अभी तक का नहीं है जी, है जी? बिल्कुल। अच्छा, पानी की व्यवस्था क्या करिए जी? पीने वाले पानी की व्यवस्था गाँव कम है? पानी वाली सब यहाँ पर तीन ट्यूबवेल है हमारे पास, हसनपुर में एक ट्यूबवेल है, गिरधरपुर में, हमारे दो गाँव की पंचायत है, तो वहाँ पर भी एक बोर है स्पेशल, और यहाँ पर तीन बोर हैं। तीनों बोरों में एक दूसरे से कनेक्शन कर दिया हमने, ताकि भाई पानी की प्रॉब्लम नहीं आई। फिर भी हमारे पास एक आध एडवांस मोटर भी है, कोई सी वो मोटर जल जाती है तो तुरंत दूसरी डलवा देते हैं, ताकि एक दिन भी आओ किसी ग्रामवासी को पानी की समस्या ना हो। अच्छा अच्छा। और दूसरी जो डैमेज लाइन होगी थी, जो पुरानी होगी, जो कम से कम 5-6 फुट गहरी होगी थी, वहाँ पर हमने ओपन लाइन डलवा दी, जो अभी डलवाई है। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहा था जी, कल ना जैसे कि लाइट ना हो गांव में, या मोटर तीनों खराब हो जाए और पानी की शॉर्टेज हो जाए, तो क्या बैकअप बना रखे है कि भाई पानी की पूर्ति हो जाए गांव में? नहीं, हम तो सब जो पानी के टैंकर है ना, फिर उसे सप्लाई करते हैं, टंकी बना रखी है, उन्होंने टंकी में डलवाते हैं, ताकि वो अपने एक दो दिन के लिए गुजारा कर सकते हैं। तो जैसे कि आप ना मोटर चलाते होंगे सुबह सुबह शाम, दो टाइम चलाते होंगे? दोनों टाइम देते हैं। तो दोनों टाइम पानी की वेस्टेज ना हो जी? ना जी, जो सिस्टम देख कर चलाते हैं, 20 मिनट में पूर्ति होती है, 20 मिनट 10 मिनट में 10 मिनट। क्योंकि हम एक जगह पे बैठे हुए थे, एक सरपंच साहब ने कहा था, और मेरा भी पहले से आइडिया था ये भाई टंकी बन जाए ना उसी, तो उस तक ये है कि वो 24 घंटा चले पानी, और 24 घंटा का नहीं उतना ही ठुठी खोल लें जितनी ज़रूरत है, और बाकी फिर फालतू ना खोल लें, तो उससे पानी की वेस्टेज भी ना हो। और क्योंकि पहले हमारा एरिया अपने जो अटेली महेंद्रगढ़ रेवाड़ी है रेड जोन में जा रहा है, तो उसमें तो फिर दिक्कत ना हो। तो अगर इस तरह के अगर गवर्नमेंट का प्रावधान हो जाए ना गाँव में, तो ऊंची टंकी बन जाए और उस तक कंटिन्यू पानी चले, तो सही रहो मेरे हिसाब से। है, बिल्कुल सही है जी, ये भी सोच बढ़िया है। लेकिन दूसरी, हमारे सरकार ने दोबारी ये हर गांव में पानी प्रबंध के लिए जो है वो बना रहे हैं, ताकि गांव से सप्लाई हो सके। हमारे जो है दो से जो है 24 एकड़ में जो बना रहा है, तो वहाँ से सप्लाई होगी पानी। तो वहाँ पे धीरे धीरे काम चल रहा है गांव के अंदर, तो वही होने वाला है जी जी। मतलब वो नहरी पानी आओगा, फिल्टर होके फिर गांव में चला जाएगा पानी, और उसमें गांव में सप्लाई दिया जाएगा। ये तो देखो एक बढ़िया कदम उठा रखे है गवर्नमेंट ने, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये वो भी चीज़ सही है कि भैया अगर धरातल का पानी है ना, आज उठे रह जाए और आ जाए, तो जैसे कि बीजेपी सरकार ने एक तो बात कहवाएंगी कि बीजेपी सरकार ने पानी की व्यवस्था जो नहरी पानी है ना उसकी व्यवस्था तो सही कर दी, पहुँचा दिया गया था। नहीं, बिल्कुल सही है ना, ये तो सही पहुँचाया है। और यही चाहेंगे कि जैसे कि पानी रेगुलर बना रहा है, जिस क्षेत्र में ना पहुँचे हैं ना उसमें जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सर, ये तो थी आपके पानी की व्यवस्था की बनाने की, रोडों की बना दी आपने। अब बालक हैं गाँव में, युवा साथी हैं, उनके लिए आपने क्या करा है जो खेल स्टेडियम के लिए?
नहीं, हमारे पास वैसे खैर स्टेडियम तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जो दोनों गांव है हसनपुर बोचड़िया में, वहाँ स्टेडियम है, तो वहाँ पर दोनों गांव के वो बच्चे चले जाते हैं और बाकी हम उनको जो ये खेल का सामान भी उपलब्ध करा देते हैं, जो भी चाहे चाहते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हमारे पास आता है या हम डिमांड करता है अक्सर हमें ये चाहिए तो हम दे देते हैं उनको। तो ये तो थी खेल स्टेडियम की बात ना लेकर के बात करें, व्यायामशाला के बारे में बता दें, व्यायाम से रिलेटेड आप सामान उनको प्रोवाइड करवा देवाएं, तो उसके बाद में बात करें जी लाइब्रेरी का भी कुछ करवाया कि बड़का के लिए। जी लाइब्रेरी का यहाँ पर हमारे पास अभी तो कोई प्रावधान नहीं आया, वैसे गवर्नमेंट ने तो कर ही दिया कि इस गवर्नमेंट ने भाई हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, लेकिन अभी एक अगर गवर्नमेंट ग्रांट देगी तो कर देंगे, नहीं तो अभी और टाइम देंगे आगे गाँव तो आगे। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, शमशान घाट की भी बात करें तो क्या कुछ करवाया है आपने उसके लिए या हो पाया ना? नहीं जी, शमशान घाट के लिए हमने कुछ नहीं करवाया अभी तो, दोनों योजना में ना, दोनों योजना में जैसे मिट्टी भर तो करवाए हैं, उसकी ड्रेसिंग ड्रेसिंग करवा देते हैं, बाकी हमारे लिए पक्का कोई ग्रांट अभी नहीं आई है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, तो उसकी जैसे चार द्वार की स्टेन साइड की या रोड उस तक पहुंच जाए उस तरह की कोई सुविधा ना हुई है? नहीं अभी नहीं हुई है। पानी की टंकी की भी सुविधा ना हुई है? नहीं जी। अच्छा ये एक छोटा काम रह गया, छोटा भी सर बड़ा भी काम से, क्योंकि आदमी की अंत यात्रा वही वहाँ। नहीं वैसे साहब ये अभी ग्रांट के लिए विधायक साहब ने या सरकार हरियाणा सरकार लगा लो, अभी सभी गाँव में उन्होंने एस्टिमेट मांग रखे हैं। अच्छा, जिस भी गाँव में ये शमशान घाट में जो पानी की टंकी वगैरह या टीन शेड वगैरह नहीं है या रोड पक्के नहीं है, तो उसके लिए सभी गांव की वो मांग रखी है जी। और अभी शायद ही जल्दी से जल्दी ही ये ग्रांट आने की संभावना है और जल्दी ही इस पर भी काम चलिए। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है जी, ये तो बढ़िया बात है। अच्छा सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा मैं आपके काम का, मैं कि जैसे कि मैडम की योजना थी पिछली और जब आप बने तो क्या कमी लग रही थी, भाई मेरे को ये कमी पूरी करनी है, और क्या वो कमी पूरी हो पाई या ना हो पाई? नहीं कमी तो हमने बहुत ज़्यादा है, हमारे जो गांव की जो गली रास्ते थे लगभग कच्चे थे, जो वैसे ईंट के बनाए हुए थे भट्टे वाड़ी के, तो चिनाई के लिए काम करते हैं, अब टाइल के बना दिए, सीमेंटेड, हमने सभी वो सीमेंटेड बना दिए। जी जी, तो पहले जो ईंट वाले थे कच्चे ईंट वाले थे, वो ईंट पाड़ी या ना पाड़ी जी? नहीं वो कुछ उस पाड़ी भी थी उसमें, तो कुछ सही भी निकली, कुछ डैमेज भी निकली, कुछ हमने काम ले लिए और गाँव में जी बोल भी लेते हैं। जैसे कि आपने निकाली कुछ बताई सही निकली, तो वो फिर कहाँ पे प्रयोग किया आपने? वो हमने चार द्वारे में पंचायत काम में, पंचायत के काम में, उसमें हमने कुछ पंचायत में ले ली, कुछ दूसरे फंड में भी यूज कर ली। अच्छा, ताकि व्यवस्थ नहीं जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जो पार्क बना रखा है, जैसे कि आपने बताया था मैडम ने बनवाया था, मैडम की योजना में बनाया था, तो उस पार्क में जैसे कि किस्त मिला था वो ग्रांट आपने? हमने वो मनरेगा स्कीम से बनवाई थी, मनरेगा था। और मनरेगा का काम भी चल रहा होगा गांव में? हाँ चल रहा है, मनरेगा से ये जो मिट्टी के रस्ते 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 बनाते हैं, मिट्टी मट्टी डालते हैं जी, जोड़ खुदाई करते हैं, डोलबंदी करते हैं, तो इसमें नरेगा से करते हैं और कोई से हमारे पास है। सर मेरे दो तीन सवाल और हैं छोटे छोटे, और सवाल एक तो मैंने ये है कि भाई जैसे कि अपने पिछली योजना में संतोष बहन जी रही थी अपने अटल विधानसभा क्षेत्र में, तो उस तरह की हेल्प मिल पाई मैडम आपकी योजना में? नहीं मेरी योजना में तो मैडम ने अभी 16-17 लाख रुपए की ग्रांट दी थी, उसके बाद कोई ग्रांट नहीं, कोई ग्रांट पूरी 5 साल में। हाँ जी। और बात करें हैं पार्षद की, पार्षद तो आपके गांव की है सुनीता वर्मा जी हसनपुर की, उसने क्या दिया जी? उसने जी हमारे एस सी चौपाल के लिए 6,91,000 रुपए की ग्रांट दी थी। अच्छा, जिसको हमने वो लगा दी है और एक अच्छी एस सी चौपाल बना दी है। और दूसरा एक है जिसकी पंचायत समिति मेंबर है, उसने क्या दिया? पंचायत समिति मेंबर ने भी काफ़ी पैसे दिए हैं, 10-15 लाख रुपए करीब। जी जी। अच्छा दो सवाल हो रहे हैं जी मेरे, एक तो है पर्यावरण को लेकर के ना, पर्यावरण को लेकर के क्या कदम उठाया है गांव में साफ सुथरा पर्यावरण बनाया हुआ है? हमने अभी दोनों जो हमारे दौड़ हैं हसनपुर बोर बोचड़िया के दोनों है, बाबा जाट्टा बाबा सत्तू वाले बोलते हैं जी, तो वहाँ पर हमने मिलकर यो नौजवान साथियों को अपने और उनको आकर्षित करके या हमारी उनको समझा करके हमने दोनों गाँव के जो बनी है उसमें बहुत ज़्यादा कम से कम 400-500 पेड़ लगा दिए हैं। अच्छा अच्छा। बड़ के पिपड़ के और उसके जो गमला वगैरह है इतनों के भी बनवाए हैं जी, और काफ़ी कुछ पानी पूनी के लिए पर्यावरण को लेकर के कदम अच्छा उठाया है कि भाई पेड़ ज़्यादा लगाए। अच्छा जितने पेड़ लगाए हैं क्या आज उनमें कितने बन रहे हैं जी? सारे ऑलरेडी तैयार हैं, तैयार हैं सारे के सारे। अच्छा एक चीज़ और पूछ रहे थे जी, आपके पास में 3-4 महीने रहेगी और इसका मैं क्या कुछ करवाना चाहोगी भाई, आपको गांव में क्या कमी दिख रही है वो काम पूरे हो जाए इसमें? देखिए कमी तो गांव में पूरी होती भी नहीं, जैसे सीसीटीवी कैमरे हो गए तो हम चाहते हैं भाई, जैसे
गांव में आवागमन के लिए कोई आता जाता रात में, आज की एक वारदात बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, तो उसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ ताकि उसके मैया कोई अनहोनी ना हो, अनहोनी ना हो और होती है तो उसके बारे में पता चल जाए। हाँ जी, स्ट्रीट लाइट, हाँ स्ट्रीट लाइट हमने सोलर लगा रखी है जी जी। और स्ट्रीट लाइट के लिए हमने ऐसी बिजली डिपार्टमेंट से हमने एक वो ले रखा है मीटर लगाकर सभी को स्ट्रीट लाइट लगा, जगमग योजना कहते थे। अच्छा अच्छा, तो अभी मैं बात कर रहा था ग्राम पंचायत असनपुर जो सरपंच हैं हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इनसे बात करवा रहे थे। सरपंच साहब आपने नाम ना बताया ना, मैंने पूछा। नहीं, मेरा नाम बलराम है जी। बलराम जी से बात करवा रहे थे, तो अभी जो बलराम जी ने बताई है अपने गांव की कहानी की, दो योजना तो लगातार पहली योजना में उनकी मिसेज रही है, उसके बाद में 2010 से 2015 तक रही है। हाँ जी, 2015 और जनवरी 2016 तक लेके और जनवरी 2021 तक सरपंच जो बलराम जी हैं इनकी पंचायत है, इन्होंने बताया अपने गांव के विकास जितने भी हुए हैं उनके बारे में बताया है। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमारा दर्शकों ने आपके गांव के बारे में जानकारी देने के लिए धन्यवाद जी। और जो भी हमने जो विकास कराए हैं, आप हमारे गाँव में जाइए जी, जो भी कमी है या अच्छे हैं, जो अच्छे लगे या बुरे लगे काम, तो वे भी बताएंगे आपको। वो बिल्कुल, मैं सर्वे करवा के सर्वे करना भी बिल्कुल करवाऊंगा। और सरपंच साहब, एक हमारे देश में जो युवा साथी हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि कच्चा जो घड़ा रहा है ना मिट्टी का, उसने जिस तरह से मोल्ड किया जाओ ना उस तरह से बन जाओ है, उसी तरह से बालक भी है भाई, ये बढ़ते जाओ हैं जिस तरह से इन्हें मोल्ड किया जाओ उस तरह से हो जाओ है। तो कोई बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि गलत प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि गलत संगत ले रहे हैं, नशा आदि कर रहे हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे देश के युवा साथियों ने, एक बार आप जरूर बताएं। देखिए, मेरे विचार से तो मैंने जो ऐसी चप्पल बनाई है जी, तो उसमें मेरी सोच तो ये चल रही है अभी, लेकिन कोरोना की वजह से मैं नहीं कर पाया। जो हमारे बच्चे हैं जो पहली से लेकर पाँचवीं तक या पाँचवीं से आठवीं तक, तो मेरी इच्छा ये थी भाई इनको बुलाकर इनको यहाँ से हम फ्री जी इनको कोचिंग दें, जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको रिवाइज करवाएं जी। लेकिन हमारे ये कोरोना की वजह से वो सरकार ने आदेश करा कि भाई ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इसलिए हमने हमारा काम ये संपूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, अगर टाइम जो ये टाइम मिलेगा महीना भी इस दिन में या अगली पंचायत में जी, तो हम ये जरूर कराएंगे। अगर नहीं भी आएगी तो दूसरा तो हमारा साथी आएगा, उससे जरूर करवाएंगे, उसके हम हेल्प करेंगे। और मैं एक बार आश्वासन देना चाहूँगा जी, ICTM सोशल ग्रुप अपना एक सोशल ग्रुप है, इसमें आपकी वो पूरी हेल्प करेगा। होमवर्क असिस्टेंट इसी तरह का कार्यक्रम चलाता है ICTM सोशल ग्रुप होमवर्क असिस्टेंट के नाम से, यानी कि जो उन काम दिया गया है उसको काम को कंप्लीट करवाना, उसके लिए ICTM सोशल ग्रुप से आप भी संपर्क करना, ये ग्रुप आप तक भी संपर्क जरूर करेगा। और साथियों, आपका ने दीपावली की बहुत बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएँ, और मेरी तरफ से भी और पंचायत हसनपुर की तरफ से, मेरी तरफ से भी सभी ग्रामवासियों को, सभी जो भी जान पहचान वालों को या देखने वालों को सभी दीपावली की शुभकामनाएं। नाम बताओगे जी आपके? हाँ, दिनकर। दिनकर जी, आप कौन से गांव से बिलोंग करो? मैं हसनपुर से कर रहा हूँ। हसनपुर तक करो? अच्छा, गांव के सरपंच के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई बढ़िया आदमी था, बढ़िया काम कर रहा है। तो सुनना हमारे है कि एक ही परिवार के दो जैसे कि हस्बैंड वाइफ बड़े हैं, पहले बार बड़े थे उसकी वाइफ, दूसरी बार बड़े हैं बन रहे हैं वो, तो दोनों की पंचायत रही है, दोनों की पंचायत में कितना के काम हो जाता है? भाई बढ़िया बढ़िया करता है, ऐसे सब बढ़िया करता है, ऐसी करता है। वो अगली बार की क्या योजना बना रहे हैं? अगली बार भाई गाँव था वो बनते कोई, हम तो भाई बढ़ के थोड़ी सी अगल से नहीं, गाँव के आपके भी तो सदस्य हो, आप भी तो सदस्य हो गाँव के। भाई जट्ठी मर्जी गुट्ठी नहीं, हम चल जाएंगा। अच्छा अच्छा, नहीं मर्जी तो ये थोड़ी भाई, मर्जी बोल दे भाई कोई पियोकड़ आएगा उसको मर्जी बना ली, पियोकड़ पकड़ा नहीं फिर आप उठाने चले जाओगे, फिर एक जना थोड़ी बन जाओगी वहाँ। नहीं एक जना ना, पियोकड़ पियोकड़ का नहीं हो जाओगे, क्योंकि जमाना बदल गया है ना, मिनट में ही रात रात में ही बदल गया है, और रात रात में हम बदल के तो क्या करोगे ना, हम कहूँ थोड़ी बदल गया। सर धन्यवाद जी।